पवन यादव अयोध्या से आज काफ़ी दिनों बाद इस एंगल में वीडियो शूट करने को मिल रहा है, क्योंकि 22 तारीख को लेकर सिक्योरिटी पर्पज़ से हेलमेट में जो है ना कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से नहीं लगाता था मैं। आज मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जानते हैं अयोध्या वर्ल्ड क्लास हो चुकी है और पूरी दुनिया में चर्चित हो चुकी है अयोध्या, ठीक है। अयोध्या के डेवलपमेंट आपने देखा, आप मैं 7 महीनों से दिखा रहा हूँ, 7-8 महीनों से डेवलपमेंट भी दिखा रहा हूँ, जिसमें अयोध्या कैसे बदली हुई है, जीरो से स्टार्ट हुई है और कितने तक पहुँच चुकी है आपने खुद ही देखा होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले सही से तो रेलवे स्टेशन भी नहीं था, अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन, अयोध्या जंक्शन भी है, अयोध्या कैंट भी है, ठीक है, दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है, ठीक। अब बड़ी बात यह है कि अयोध्या में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ठीक है, फ्लाइट भी चलने लगी हैं, रन करने लगी हैं। चलिए, ये सब तो हो गया ना, सब कुछ है अयोध्या में, तो भाई कौन नहीं लेना चाहता अयोध्या में घर, सब लेना चाहते हैं, सब सोचते हैं कि अयोध्या धर्म नगरी, और यहाँ पर अगर आप दर्शन करते हैं तो चारों धाम की जो है यात्रा पूरी हो जाती है, मानता यही है कि चारों धाम की यात्रा पूरी हो जाती है, तो कौन यहाँ घर नहीं लेना चाहता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहीं पर मेरा घर भी है, ठीक। अब बात करते हैं कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना भाई नॉर्मल छोड़ो, सेलिब्रिटी भी घर ले रहे हैं, तो आपने न्यूज़ में भी देखी होगी कि घर यहाँ पर लिए जा रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ। 7 स्टार जो प्लॉटिंग करते हैं, बहुत अच्छी प्लॉटिंग उनका एक कंपनी है, वो मैं वहाँ पर चल के ही दिखाऊंगा कैसे क्या है, अगर अलाउड करते हैं तो अंदर में भी दिखाऊंगा, बट अपने पास तो औजार है ही ड्रोन का, तो वो चीज़ मैं यूज़ करूंगा ही, पूरा दिखाता हूँ कैसे प्लॉटिंग है, कितना ज़्यादा प्लॉटिंग है, तो कैसे कितना रुपए में लिए हैं वो आगे चल के मैं बात करूंगा जब उस पथ पे पहुंच जाऊंगा, उस हाईवे 4 लेन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। उस 4 लेन का भी निर्माण होने वाला है और एक पूरी नई अयोध्या बसाई जाएगी, एक जैसे होती नहीं, जैसे आपने देखा होगा नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, उस तरीके से अयोध्या जो है, अयोध्या में 2 पार्ट हो जाएंगे आगे चल के इन फ्यूचर नाम से, कि अयोध्या नई अयोध्या और पुरानी अयोध्या। पुरानी अयोध्या में क्या रहेगा, जिसमें ग्रीन टाउन सिटी, बड़े से स्टैचू रहेंगे, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू बनने वाला था, हो सकेगा तो वो भी बनेगा, 151 फीट की ऐसे कुछ था, मे बी उसका मेजरमेंट उतना याद नहीं मुझे, काफ़ी दिन पहले मैंने अपडेट दिया था, वो भी वहीं बनेगा और अमिताभ बच्चन जी ने भी वहीं पर ही प्लॉट लिया है। तो चलिए हम चलते हैं, पहले ये 4 नंबर बूथ हम पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर आप जो VIP लोग और भी जितने हैं, आप पूरे अयोध्या में कल यानी 22 तारीख को दिवाली मनाई गई है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये फूलों से पूरी सजाई गई थी, ये 4 लेन, ये जो है NH-27 है, हाईवे है, नेशनल हाईवे, इसको पूरा फूलों से सजाया गया था, गेंद के फूलों से, गेंदे के जो होते हैं, और ताड़ के पेड़ को भी अच्छे तरीके से सजाया गया था, इसमें लाइट भी लगी हुई है, इसकी नाइट व्यू जो है ना काफ़ी ऑसम आता है, बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं नाइट व्यू नहीं ले पाया था, ड्रोन शॉट भी नहीं ले पाया था, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पज़ थे और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, इस वजह से। इस हाईवे की बात करूं तो ये हाईवे आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्विस रोड भी बनकर तैयार होने वाला है, ऑलमोस्ट 75% काम जो है वो हो चुका है। बस मैं यही अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अभी आप जनवरी में श्री राम मंदिर दर्शन करने ना आएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि मंदिर को बंद करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे जो है वो आ जा रहे हैं, आगे फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, क्योंकि श्रद्धालु आस्था इतनी ज़्यादा है हमारे प्रभु श्री राम जी को लेकर कि दुनिया भर के लोग अयोध्या आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और आज मैं भी इतना खुश हूँ ना, सच्ची बता रहा हूँ कि सोचो जो पूर्वज थे हम लोग के, और कितने लोग इंतज़ार कर रहे थे कि राम मंदिर बने, श्री राम मंदिर बने, बट आज हम लोग देख रहे हैं उसको अपनी आँखों से कि हाँ श्री राम, प्रभु श्री राम जी अपने महल में विराजमान हो गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात है इस जनरेशन को लेकर। तो मैं यही अपील करूँगा कि आप फरवरी में आएँ, जनवरी में ना आए, जनवरी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत दिक्कत होगी प्रशासन को भी, अयोध्या वालों को भी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रांसपोर्ट को लेकर भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है, और इस भीड़ में ना कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ सामान जो है या होटल हुआ कुछ भी हुआ, आप जानते हैं जब डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्ट और जितने भी है ना सामान वो महंगी हो जाती हैं,
तो उस हिसाब से महंगी भी हो जाएंगी। तो आप कहोगे कि हाँ अयोध्या में लूटा जा रहा है ऐसा वैसा, तो ये चीज़ गलती आप ना करें। आप फरवरी में आए, फरवरी मार्च में आए, अब तो प्रभु श्री राम जी तो विराजमान हो ही गए हैं, आराम से आप दर्शन करिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत भाई कॉमेंट भी कर रहे थे कि मैं अपने वीडियो के थ्रू अपील ये करूँ और ये संदेश पहुँचाऊँ कि आप जनवरी में ना आए और फरवरी में आए, मार्च में आए, होली के बाद आए, वो ज़्यादा सही रहेगा। हम अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रामायण विश्वविद्यालय भी इधर निर्माण किए जा रहे हैं। अयोध्या में मंदिर के अलावा भी हॉस्पिटल हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, और भी जितने हैं ना सब कुछ यहाँ पर निर्माण किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे फूल लगाए गए हैं, ज़बरदस्त है ना, ज़बरदस्त तरीके से लगाए गए हैं पूरे। और इधर चलते हैं, ये पूरा देखिए यहाँ पर भी गमले पूरे लगे हुए हैं। और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर अमिताभ बच्चन जी ने जमीन ली है। ये आप ओवरब्रिज देख रहे हैं ना, यहाँ से धर्मपथ शुरू हो जाता है, राम मंदिर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पर होगा वो प्लॉट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये धर्मपथ है, और धर्मपथ से हम सीधे राइट लेंगे, और राइट लेते हुए सीधे हम चलेंगे उस हाईवे पे जो मेन हाईवे बन रहा है, वो उसका निर्माण भी चल रहा है, और वही हाईवे से सीधा मुलाकात करते हैं। अभी भीड़ आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, मैंने आपको बताया था ना श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है अयोध्या में। और ये अयोध्या जाएगा सीधे सीधा, ये धर्मपथ होते हुए राम पैड़ी पे निकलेगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे उस जगह पे निकलेगा जहाँ पर मैं प्लॉट की बात कर रहा था, जहाँ पर ज़मीनें ली गई हैं। देखिए यहाँ से आप निकलोगे अयोध्या से जैसे, और पूरी अयोध्या जो नया जो है पूरी सिटी बसाई जाएगी, पूरी निर्माण की जाएगी, वो ये रास्ता है, ठीक है। इसके बगल से ही रास्ता निकला हुआ है, और ये रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर बालूघाट, ये बोर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ बालूघाट बोर्ड लगा है, यहाँ पर नेपाली बाबा जी का यहाँ पर हवन वगैरह चल रहा है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधे प्लॉट की तरफ लेकर जाता है, और यही 4 लेन या 6 लेन जो है ये पूरा बनेगा। देखिए ये पूरा रास्ता आप जो देख रहे हैं, ये पूरा रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, आगे चल के भी हम आपको दिखाते हैं पूरे। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए सर्विस रोड बनाई जा रही है, सर्विस रोड के बगल में ही आपको ये पूरा चौड़ीकरण होगा इसका, इस रोड का, जो कि ये पूरा बाजार अम्बेडकर नगर जो रोड है वहाँ पर जाकर निकलेगा, जो दर्शन नगर NH 27 दर्शन नगर, ये पूरा बाजार, ये वाली रोड है ना, इसको अंबेडकर नगर रोड बोलते हैं, और ये रास्ता जो है सीधे वहीं पर निकलेगा गांव होते हुए। अभी मैं आगे चल के और भी दिखाता हूँ, और भी श्रद्धालुओं की भीड़ इधर गांव साइड में भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो गई है। तो अभी हम सीधे चलेंगे, देखिए आप भीड़ देखो भाई, गाँव में गली गली में ऐसे भीड़ हैं। तो ये हाईवे जो है ना पूरा बनेगा, अभी निर्माण इसके किए जाएंगे, और इधर साइड में भी आप देखो पूरा ये रास्ता आप देखो जबरदस्त ना, यहाँ पे प्लांट भी लगे हुए हैं। ओ हो 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 हो, इतनी ज़्यादा धूल, यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा रहता है, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ना बस स्टैंड भी है, इधर हमारे राइट हैंड साइड आपको बस स्टैंड दिख जाएंगे अयोध्या के, सब कुछ नज़दीक में है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। और अमिताभ बच्चन जी ने 14.5 करोड़ की लागत से जो प्लॉट है वो लिया है, ठीक है। इतने महंगे प्लॉट हैं भाई यहाँ पे, सच्ची बता रहा है, पूरा आप देखो इलेक्ट्रिक बस यहाँ पर पूरी भरी पड़ी हुई है, देखो अभी पूरी भरी पड़ी हुई है। अयोध्या के ये नया बस स्टैंड है, आपको मैंने इसका अपडेट भी दिया था, ड्रोन शॉट भी दिखाया था, यहाँ टेंट सिटी नया बना हुआ था, ठीक है। कुछ ऐसे सब जो चल रहे हैं, अभी और भी आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं किस जगह पे अमिताभ बच्चन जी ने प्लॉट जो है वो लिया। राइट हैंड साइड देख रहे ना कैसे ये पूरा चौड़ीकरण हो रहा है जबरदस्त तरीके से, और ये पहले बार मेरा ऐसा शॉट है, ट्रैकिंग शॉट, तो अगर कुछ गड़बड़ भी होता है ना तो भाई यार सॉरी, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, और मैं सोचा कि इस एंगल से व्यू दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये रास्ता जो है दिखता है, और कैसे आप जो है अयोध्या से ये जो अमिताभ बच्चन जी का जहाँ पर प्लॉट लिए हैं वहाँ कैसे आप पहुँच सकते हो। ये रास्ता पूरा क्लियर आप देखोगे इस ड्रोन शॉट से, ज़बरदस्त लग रहा ना, ये एंगल एक नंबर का, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ। और आप देखो अभी ये रास्ता पूरे तरीके से बना नहीं है, पूरा निर्माण किए जा रहे हैं, अभी आप देखोगे पीछे, देखिए देखिए आगे किस तरीके से ये पूरे जो है
आई थीम पार्क भी यहाँ पर दिख जाता है, और आपको ना यहाँ पर जो है पूरी ग्रीन टाउन सिटी बसाई जाएगी, पूरी ग्रीन टाउन सिटी बसेगी, और ये पूरी नई अयोध्या बसने वाली है। और बहुत ही जल्द अभी चौड़ीकरण चल रहा है यहाँ का इस रोड का, बाकी और भी पूरे जो है कंप्लीट होंगे। देखिए हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पर आई थीम पार्क रहेगा, जिसमें बताया जा रहा था कि एक 151 फीट की ऐसे कुछ मूर्ति जो है हमारे प्रभु श्री राम जी की वो बनेगी। और देखिए पूरा आप देखेंगे ये रास्ता जो देख रहे हैं, ये रास्ता कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये आई थीम पार्क की तरफ जाता है, जहाँ पर पूरा ओवरब्रिज बनेगा, ठीक है। और इधर हमारे राइट हैंड साइड देखें किस तरीके से चौड़ीकरण जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं, ये आप देखिए जबरदस्त ना, तो इसी तरीके से होंगे ये। और देखो आई थीम पार्क इधर साइड जो दिख रहा है ना पूरा, ये इधर पीपल के पेड़, इधर मंदिर ये छोटी सी बनी हुई है, ये सब आपको दिखेंगे। और अभी हम जल्दी पहुँचने वाले हैं जहाँ पर वो पूरा प्लॉटिंग वगैरह किए गए हैं वहाँ पर। देखिए ये रास्ता सीधे जो है आपको लेकर जाता है अंबेडकर नगर वाली रोड पे, यानी पूरा बाजार वाली रोड पे, जो भाई जानते होंगे पूरा बाजार वो वाली रोड। तो गाइस आप देख रहे हैं ना इसी तरीके से ये फोर लाइन जो बनेगा, आपने ड्रोन शॉट से भी देखा, और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं किस जगह प्लॉटिंग चल रही है। भाई ये रास्ता है कुछ इस तरीके से टेम्परेरी अभी बनाए गए हैं, और देखिए ये पूरा एरिया है प्लॉटिंग का, यहाँ पर भी आप भी घर ले सकते हो, अगर आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये पूरा एक माझा जो है ना नदी किनारे के एरिया, लेकिन यहाँ पर बांध बने हुए हैं तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए जबरदस्त यहाँ पर बने भी हुए हैं अमिताभ बच्चन जी, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे पीछे हमारे